क्षेत्र के राजापुर मोहल्ले में रहने वाला इसमें भारतीय पुत्र स्वर्गीय राधे भारतीय अंडे की दुकान चलाता था। वो बसपा कार्यकर्ता था और पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका था। गुरुवार रात वो अपने ससुराल चौफटका गया था। वहां से लौटकर वाल्मीकि चौराहे पर एक दुकान के पास खड़ा होकर अंडा खा रहा था। वहीं शाहगंज के नखास कोना निवासी कारपेंटर चुन्नी खां की बेटी सबा उर्फ गुड़िया अपनी जीजा अरशद के साथ जन्मदिन पर बिरयानी खाने के लिए सिविल लाइन्स आई थी। रात करीब 10 बजे जीजा के साथ वो बाइक से घर लौट रही थी, तभी नवाब यूसुफ रोड पर वाल्मीकि चौराहे के पास पीछे से तेज रफ्तार में आए ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। जीजा और साली सड़क पर गिर पड़े तो ट्रक सबा को रौंदते हुए आगे निकल गया। कहा जा रहा है कि इसी दौरान चालक कूद कर भाग निकला तो ट्रक अनियंत्रित होकर सुनील को टक्कर मारते हुए दीवार से टकरा गई। हादसे में सबा और सुनील की मौत हो गई जबकि अरशद मामूली रूप से जख्मी हुआ। सबा 5 बहनों में तीसरे नंबर पर थी। वो मजीदिया इस्लामिया डिग्री कॉलेज से बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी। ट्रक को कब्जे में लेकर खलासी को पकड़ लिया गया। कुंभ से पहले प्रयागराज को एक और सौगात मिल गई है। गुरुवार को बेंगलुरु के बमरौली एयरपोर्ट से सीधी उड़ान सेवा शुरू हुई। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान का प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्तनंदी ने शुभारंभ किया। 180 सीट के एयरबस में पहले दिन 173 यात्री प्रयागराज आए जबकि 170 यात्रियों ने बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। इसी के साथ प्रयागराज 6 शहरों से हवाई सेवा से जुड़ गया है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत दूसरे दौर की बिडिंग में यूपी के 9 एयरपोर्ट और 22 एयर रूट का चयन हुआ है। इसमें प्रयागराज से 13 शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होनी है। जेट एयरवेज ने प्रयागराज से लखनऊ, पटना, नागपुर और इंदौर के बीच हवाई सेवा शुरू कर दी है। झूसी की आवास विकास कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों से महिलाएं झूसी की ओर गंगा तट पर पहुंची थी। इसी दौरान राजस्थानी लिबास में एक महिला ने पूजा कर रही महिला के गले से चेन छीन ली। शोर मचा तो वहां मौजूद अन्य महिलाओं ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। महिला को झूसी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूछताछ में महिला ने जो कुछ बताया उससे पुलिस के कान खड़े हो गए। महिला ने बयान दिया कि उसके साथ करीब 1.5 दर्जन महिलाएं और हैं जो शहर के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल वारदात करने का मौका देखती हैं। महिला ने यह भी बताया कि पूरा गिरोह कुंभ में मेला क्षेत्र में आए श्रद्धालुओं को लूटने की तैयारी में है। अखाड़ों और खाक चौक के बीच भूमि आवंटन को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद गहरा हो गया था। अखाड़ों ने अधिक जमीन की मांग की तो मेला प्रशासन ने खाक चौक की जमीन अखाड़ों को देने का प्रस्ताव रख दिया। इससे खाक चौक व्यवस्था समिति के सदस्य नाराज हो गए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भूमि आवंटन को लेकर उठ रहे विवाद को खत्म कर दिया। गुरुवार को मेला अधिकारी विजय किरण आनंद के साथ हुई बैठक के बाद अखाड़ों के संतों ने बागम्बरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में बैठक की। देर रात तक चली बैठक में गंगा पार झूसी में अखाड़ों को बसाने पर सहमति बन गई। बैठक के बाद अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने बताया कि अखाड़े गंगा पार बसेंगे। इसके साथ ही सभी अखाड़ों ने यह निर्णय लिया कि 4 और 5 दिसंबर को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बैठक की जाएगी। इस बैठक में सभी अखाड़ों के सदस्य जाएंगे। अलोपी बाग निवासी ठेकेदार सचिन मिश्र ने बताया कि उनका छोटा भाई नितिन रात में दुकान पर खड़े होकर मोमोज खा रहा था। कुछ लोग दुकान वाले से झगड़ा कर रहे थे। नितिन ने कारण पूछ लिया तो लोग उसे पीटने लगे। तभी अलोपी बाग के ही धीरेन्द्र नारायण सिंह ने रिवॉल्वर से नितिन पर गोली चला दी। जान बचाने के लिए वो पास के प्रिंटिंग प्रेस में घुस गया। प्रेस मालिक दीपक ने बीच बचाव किया तो उन्हें भी पीट दिया गया। पुलिस का कहना है कि धीरज ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलाई थी। दारागंज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। बारा थाना के ग्राम पंचायत पिपराओं के मजरा घुरमी निवासी किसान समर बहादुर गुरुवार सुबह अपने खेत में धान काटने जा रहा था। वो घुरमी गांव के पास ही रेलवे लाइन को पार कर रहा था कि शंकरगढ़ की ओर से एक ट्रेन आ गई। समर बहादुर ट्रेन की चपेट में आ गया, उसका शरीर कट गया और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। प्रयाग संगीत समिति और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से गुरुवार को समिति के मेहता प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय शरद उत्सव की शुरुआत हुई। उत्सव का पहला दिन दिल्ली के कलाकारों के नाम रहा। रेखा मेहरा ने सूर्य स्तुति प्रस्तुत की, वहीं राग मिश्र मारवा ने ठुमरी की भावपूर्ण प्रस्तुति की।
इसके साथ ही राधा कृष्ण के माध्यम से वर्षा ऋतु के विविध पक्ष को प्रस्तुत किया गया। दूसरी प्रस्तुति ऋचा गुप्ता ने दी। विश्वदीप शर्मा और नीलाक्षी खांडेकर ने युगल नृत्य की प्रस्तुति की। संचालन अर्चना दास ने किया। आर्य कन्या इंटर कॉलेज में दो दिनी वार्षिकोत्सव का समापन गुरुवार को हुआ। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमन सिंह ने छात्राओं को शैक्षणिक उपलब्धियों की महत्ता से परिचित कराया। कॉलेज की पत्रिका का विमोचन मुख्य अतिथि और प्रबंधक पंकज जायसवाल ने किया। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर आधारित और जयाशंकर प्रसाद की कृति के पात्र श्रद्धा मनु पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान छात्राओं ने पंजाब के गिद्दा, राजस्थान के कालबेलिया, नृत्य, कव्वाली आदि की प्रस्तुति से सबको मुग्ध कर दिया। कुंभ मेले की सुरक्षा में अपना योगदान देने के लिए सिविल डिफेंस के सदस्य भी तैयार कर रहे हैं। वाराणसी से आई एनडीआरएफ की टीम नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियरों को प्रशिक्षण दे रही है। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह रसूलाबाद घाट पर डूबने वालों को बचाने का डेमो किया गया। इसमें जवानों ने गंगा में डूब रहे श्रद्धालुओं को बचाया। एनडीआरएफ का प्रदर्शन देखने के लिए काफी लोग घाट पर जुटे रहे। सुबह रसूलाबाद घाट पर जल आपदा क्राउड कंट्रोल, डूबते श्रद्धालुओं को बचाने का डेमो किया गया। नगर निगम के अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते को लक्ष्मण मार्केट में विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए व्यापारी जेसीबी के आगे आ गए। इससे काफी देर तक कार्यवाही बाधित रही। समझाने पर वो सुनने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने डंडे पटक कर उन्हें हटाया।